नगर कौंसल चोणों तो पहला पंजाब के जलालाबाद के तनाव वाला माहौल पैदा हो गया। इतने अकाली दल के उम्मीदवार को नामजद करने पहुंचे आगू सुखबीर सिंह बादल से हमला होया है। इस समय दौरान उन्होंने कार को नुकसान पहुंचाया गया। इस ही बदमाशों की तरफों अकाली दल के वर्करों से गोलियां चलाने भी खबर सामने आई हैं। इस घटना तो बाद अकाली दल और कांग्रेसी वर्करों के विचाले लड़ाई हो गई। नगर कौंसल की चोण में अब जलालाबाद में अकाली दल के उम्मीदवार की नामजदगी प्रक्रिया होनी सी। इस संबंध में पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने हमला किया गया। अकाली दल ने कांग्रेस उत्ते इस हमले का दोष लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अकाली दल और कांग्रेसी वर्करों विचाले झगड़े कारण पत्थरबाजी और फायरिंग भी हुई है। दसा जा रहा है कि तीन अकाली वर्करों गोलियां मारिया गई ने। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज कम टीवी। नगर कौंसल चोणों तो पहला पंजाब के जलालाबाद में तनाव वाला माहौल पैदा हो गया। इतने अकाली दल के उम्मीदवार को नामजद करने पहुंचे आगू सुखबीर सिंह बादल से हमला होया है। इस समय दौरान उन्होंने कार को नुकसान पहुंचाया गया। इस ही बदमाशों की तरफों अकाली दल के वर्करों से गोलियां चलाने भी खबर सामने आई हैं। इस घटना तो बाद अकाली दल और कांग्रेसी वर्करों के विचाले लड़ाई हो गई। नगर कौंसल की चोण में अब जलालाबाद में अकाली दल के उम्मीदवार की नामजदगी प्रक्रिया होनी सी। इस संबंध में पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने हमला किया गया। अकाली दल ने कांग्रेस उत्ते इस हमले का दोष लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अकाली दल और कांग्रेसी वर्करों विचाले झगड़े कारण पत्थरबाजी और फायरिंग भी हुई है। दसा जा रहा है कि तीन अकाली वर्करों गोलियां मारिया गई ने। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज कम टीवी।